शशांक धनबाद की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीडीए, सिम्फर, मीडिया और जिला प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान मीडिया और जिला प्रशासन के बीच पहले मैच की शुरुआत हुई, जहां मीडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग लेने का निर्णय लिया और 7 ओवर में कुल 69 रन बनाए। वहीं नगर निगम 41 रन पर सिमट गई। नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित तमाम निगम के कर्मी मैच खेल रहे थे, जबकि मीडिया की ओर से मिरर मीडिया, सिटी लाइव, न्यूज 11, TV45, मुखर संवाद 99, न्यूज 18, भारत जनतंत्र और दी न्यूज पोस्ट के संवाददाता खेल रहे थे। सबसे अच्छे पारी भारत जनतंत्र के विक्रम सिंह और TV45 से अंबर कलश ने खेला और नॉट आउट रहे हैं, क्योंकि 7 ओवर की मैच थी। ऐसे में 99 से दिलशाद और सिटी लाइव के प्रकाश को भी मौका दिया गया, इन्होंने भी शानदार पारी खेली। वहीं नगर निगम से सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने अच्छी पारी खेली और 2 छक्के और 1 चौके लगाकर नॉट आउट रहे। नगर निगम से कप्तानी नगर आयुक्त रविराज शर्मा कर रहे थे, जबकि मीडिया टीम से कप्तानी मिरर मीडिया के धीरेंद्र राय कर रहे थे। क्रिकेट मैच का मुख्य उद्देश्य था मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना। मैच होने से पहले चारों टीम के खिलाड़ी एकजुट हुए और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं मैच समाप्ति के बाद मतदान के प्रति जागरूक करने और स्वच्छ मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि 100% मतदान को लेकर मीडिया और जिला प्रशासन सहित डीसीडीए और सिम्फर क्लब द्वारा मैच का आयोजन किया गया है। 5 मई को गोल्फ ग्राउंड में संध्या 6 बजे से फूड फेस्ट का भी आयोजन किया गया है। लोगों से अपील है कि घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें। वोटर अवेयरनेस के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। ये प्योरली फ्रेंडशिप मैच था और उसमें 4 टीमें इसमें भाग ली थी और फाइनल में जीते। डीसीडीए की टीम फाइनल जीती है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में अवेयरनेस फैले क्रिकेट मैच के बारे में, चूँकि ये काफ़ी पॉपुलर गेम है और अभी IPL भी चल रहा है, तो ऐसे भी लोगों में काफ़ी पॉपुलर है क्रिकेट, तो इस गेम के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाना। 100% मतदान को लेकर भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाँ बिल्कुल ही, हमारा लक्ष्य ही है इस बार लोकसभा चुनाव में कि 80% से ज़्यादा मतदान हो। हमारा तो लक्ष्य है कि 100% मतदान हो, इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम। सेमीफाइनल में कौन टीम पहुंची थी? डीसीडीए और मीडिया। वही जाना चाहते हैं मीडिया के टीम। इस तरह के कार्यक्रम और आयोजन करने का प्लान? हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए जितने भी कार्यक्रम होंगे सभी आयोजित किए जाएंगे। लगता है कि मतदान के प्रतिशत बढ़ेंगे? बिल्कुल, हमें लगता है, हमें विश्वास है कि इस बार वोटर अवेयरनेस बढ़ा है तो जरूर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। और सबसे यही अपील भी है कि सब लोग मतदान करें, जरूर बूथ तक जाएं, फैमिली वोटिंग करें, ग्रुप वोटिंग करें और इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। हम जैसे किए और किस प्रकार? हाँ बिल्कुल, वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 मई को इवनिंग में गोल्फ ग्राउंड में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। इसमें शहर के जितने अच्छे फूड सेलर्स हैं, एक्चुअली कुछ होटल्स हैं, कुछ स्ट्रीट फूड्स हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ रखा है, इनवाइट किया गया सबको। हाँ बिल्कुल इनवाइट किया गया है और इसके साथ में कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रखे गए हैं ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो, एक अच्छी शाम सबकी गुजरे और सब लोग आए, अच्छे भोजन का आनंद लें, अच्छे म्यूजिकल प्रोग्राम्स का, अच्छे एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाएँ और वोट भी करें। समय कब तक है? समय 6 से 10 बजे शाम तक। वहीं धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय सिंह ने भी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रति आभार जताया और मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही और लोगों से मतदान देने की अपील की। आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पर मताधिकार मत देने के लिए, प्रमोशन के लिए मैच कराया गया, जिसमें धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से यहाँ के जो प्रभुत टीमें हैं जैसे मीडिया, डीसीडीए, सिम्फर और जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक टूर्नामेंट मैच कराया गया, जिसमें मीडिया और डीसीडीए ने फाइनल खेली, उसमें डीसीडीए अपना जीता। इस तरह का आयोजन धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा अवेयरनेस के लिए आगे रहता है और चाहता है कि कोई भी किसी भी तरह का इसका आयोजन हो तो उसमें धमाके क्रिकेट से सभी को लोगों को लेकर साथ में चलने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी मतदान है 25 तारीख को, ऐसे में लोगों को जागरूक करने को लेकर भी
कि चुनाव का पर्व है और चुनाव में अपना अधिकार मत जरूर देना चाहिए, क्योंकि यही मेरा देश और भविष्य हमारे निर्धारित करता है। इसलिए अपना मत का प्रयोग जरूर से जरूर करें और सुबह सबसे पहले अपना मत का मत दें, उसके बाद ही अपना जलपान का। विजेता और उपविजेता टीम को क्या कुछ संदेश देंगे? इस तरह का टूर्नामेंट है, विजेता और उपविजेता टीमें, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली और खेल भावना के तहत दोनों टीमें मैचों के लिए हम लोग अच्छा लगता है कि दोनों टीमें ऐसे खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी के रूप में अपना योगदान देते हैं और बहुत सारी मैचें हम देखे हैं कि जिस तरह आप लोग भी दिन भर मीडिया अपने कम भागदौड़ में रहती है, डीसीडी अपना डिस्ट्रीब्यूशन में दबाव में जीवन देने के लिए हमेशा अपने काम के लिए बिजी रहते हैं, उस माहौल में अगर इस तरह का आयोजन होता है तो अच्छा लगता है। क्रिकेट मैच का आयोजन विनोद बिहारी महतो चौक के समीप सर्वे ऑफिस के बगल में स्पोर्ट्स एरेना क्लब में आयोजित किया गया था, जबकि एचडीएफसी बैंक द्वारा स्पॉन्सर किया गया था।